जी परिस्थिति मुंबऱ्याची आहे। माझी तर पंतप्रधानांना विनंती आहे, या ईडीच्या धाडी टाकताय ना तुम्ही, इन्कम टॅक्सच्या धाडी टाकताय ना, या आमच्या पोलिसांना विचारा, त्यांच्याकडे सगळा सोर्स आहे। या झोपडपट्ट्यांमध्ये असलेल्या मदरशांवरती एकदा धाडी टाका, तुम्हाला काय काय गोष्टी हाताला लागतील ते तुम्हाला कळेल। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस इतनी नामर्द नहीं है कि मदरसे में कुछ रखा गया है और वो वहां घुसेगी थी। लेकिन मैं राज ठाकरे को खुला आह्वान देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में किसी भी मदरसे में जाइए, 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंचिए और वहां दाढ़ी करने का उस्तरा निकाल के दिखाइए। मैं मेरी राजनीति छोड़ दूंगा। बिना वजह ऐसी बातें करके दो समाज में द्वेष मूल्य प्रस्तापित करके उनमें आग लगाने का काम छोड़ देना। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद रफशान मुमरा एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। कैसे किया मंत्री जितेंद्र रावण ने राज ठाकरे पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कल से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राज ठाकरे ने ऑन स्टेज स्पीच दी है, खास तौर पर मुमरा का नाम लेकर पॉइंट आउट किया गया था मुमरा के मदरसों को लेकर। वहीं मंत्री जितेंद्र रावण ने किस तरीके से उसे पलटवार किया और क्या कुछ कहा राज ठाकरे को लेकर, आइए हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाते हैं। धन्यवाद। कल जो कुछ राज ठाकरे जी ने भाषण में कहा, जैसे कि मुमरा में आप कोई भी मदरसे में जाइए तो आपको क्या हाथ में लगेगा पता चलेगा, पुलिस को सब मालूम है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस इतनी नामर्द नहीं है कि मदरसे में कुछ रखा गया है और वो वहां घुसेगी थी। लेकिन मैं राज ठाकरे को खुला आह्वान देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में किसी भी मदरसे में जाइए, 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंचिए और वहां दाढ़ी करने का उस्तरा निकाल के दिखाइए। मैं मेरी राजनीति छोड़ दूंगा। बिना वजह ऐसी बातें करके दो समाज में द्वेष मूल्य प्रस्तापित करके उनमें आग लगाने का काम छोड़ देना। हमने तो सुना था कि आपके पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है, इन्हें आप रोजगार देने वाले थे, अच्छी बात थी। लेकिन आज आपकी ब्लूप्रिंट में ये मस्जिद के सामने जाके बैठो बच्चों लोगों को कहना, ये कहां से आ गया भाई? आप क्यों नहीं जाके बैठते किसी मस्जिद के बाहर? ये तो अच्छा धंधा है कि बच्चों को बिठा देना, बच्चे लड़ेंगे अपने आप में, जाएंगे जेल में, छुड़ाने के लिए मां बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है। कल आपके भाषण में अचानक आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जो रैली निकलती है उसके बारे में आपको बहुत प्यारा है। कभी जिंदगी में जय भीम कहा है? कभी 14 अप्रैल को आपके घर के 3 मिनट के अंतर पे जो चैत्य भूमि है वहां गया है नमन करने के लिए? धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से खबरों को जानने के लिए मुमरा एक्सप्रेस पर बने रहे, जुड़े रहे और हमें सब्सक्राइब जरूर करें।